हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही फ्लेवर वाला और बहुत ही मशहूर डिश आज हम बनाएंगे, जो रिच बंगाली कुजिन से आता है। ये रेसिपी हल्का सा स्पाइसी होता है और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो स्पाइसेस डलते हैं वो इतना फ्लेवर देते हैं कि आप जब इस कोफ्ते को मुंह में डालेंगे तो वो इस तरह से घुलेगा कि आपको इसका फ्लेवर बहुत ही पसंद आएगा, आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा को अच्छे से वॉश कर रख दिया है। भुने हुए चना दाल को मैंने 25 ग्राम इसको भी मैंने पाउडर कर रख दिया है। एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा बैंगलोर टमाटर को कट कर रख लिया है, तीन हरी मिर्च, चार कली लहसुन के, थोड़ा सा हरी धनिया के पत्ते, एक बड़ा प्याज को मैंने इसको भी स्लाइस कर रख दिया है। एक मिक्सर में मैंने कीमा को ऐड कर दिया है, हरी मिर्च लहसुन को भी ऐड कर देंगे। पाव टी स्पून गरम मसाले पाउडर को भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देंगे। एक छोटा सा प्याज को भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरी धनिया के पत्ते को भी ऐड कर देंगे और इसको बंद कर हम मिक्सी में हल्का सा पीस लेंगे। इस तरह से हम इसको पीस लेंगे और इसको एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब भुने हुए चने के दाल के पाउडर को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें हरी मिर्च कम चाहिए तो आप हरी मिर्च को कम कर आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गोल गोल इस साइज में हम गोल गोल सारे बॉल्स को इस तरह से हम बनाकर रख लेंगे। इस तरह से हमने सारे बॉल्स को बनाकर रख लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम होते ही हम एक एक करके चार पांच बॉल्स को डालकर हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। चारों ओर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से तल लेंगे।
और इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब हम उसमें 2 चम्मच तेल को ऐड कर देंगे। तेल गर्म होते ही हम प्याज को ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड कर देंगे। आधा मिनट इसको सॉटे कर लेंगे। टमाटर को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी को ऐड कर देंगे। ढक्कन को बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम में टमाटर को अच्छे से गलने के लिए रख देंगे। ढक्कन को खोल देंगे। टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। मिर्च पाउडर को ऐड कर देंगे और इसको भी हम आधा मिनट तक सॉटे कर लेंगे। हरी धनिया के पत्ते को भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देंगे। दो कप पानी को ऐड कर देंगे। अब इसको ढक्कन को हल्का सा बंद कर देंगे और हाई फ्लेम में अच्छे से इसको पकने के लिए रख देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर को भी ऐड कर देंगे। जब तक पानी आधा जिर ना जाए तब तक हम पका लेंगे। हमारा आधा पानी जिर चुका है। हम इसमें कोफ्ते को ऐड कर देंगे। सारे कोफ्ते को इसमें ऐड कर आधा ढक्कन को बंद कर हाई फ्लेम में हम सारे पानी को सुखा लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसे हुए नारियल को ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से इसे हम चला लेंगे। ढक्कन को बंद कर मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक इसको रख देंगे। पाँच से सात मिनट हो चुका है। हम लीड को खोल लेंगे। हमारा मज़ेदार कोफ्ता करी तैयार हो चुका है। देखिए, हमने कोफ्ता करी को सेमी ग्रेवी बनाया है, तभी हम इसे चावल या पराठा के साथ खा सकते हैं। कटे हुए हरी धनिया के पत्ते से हम गार्निश कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। सर्विंग प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी शानदार रेसिपीज देख पाएं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।